हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विथ स्टॉक मार्केट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड के बारे में। अभी तकरीबन 2:32 होना ही है और देखा जाए तो 4% से भी ज़्यादा की तेज़ी हमें एंजल ब्रोकिंग में देखने को मिल रही है। इस तेज़ी के पीछे एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई है। कंपनी के मैनेजमेंट की ओर से एक रिपोर्ट सबमिट किया है NSE और BSE को, जो कि एंजल ब्रोकिंग का जो बिज़नेस है, जो कारोबार है, उसका डाटा सबमिट किया हुआ है, जो कि अपने आप काफ़ी बढ़िया डाटा देखने को मिल रहा है। तो किस तरह के बिजनेस डाटा देखने को मिल रहे और आगे किस तरह के शेयर प्राइस के ऊपर इसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर हम पूरा एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और एंजल ब्रोकिंग के अगर हम कारोबार की बात करें तो शायद आपको पता ही होगा कि एंजल ब्रोकिंग जो कि फाइनेंशियल सेक्टर में इसका कारोबार है, इन्वेस्टमेंट्स बैंकिंग एंड ब्रोकरेज का इसका कामकाज है, जो कि आप में से भी काफ़ी सारे लोग एंजल ब्रोकिंग का ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट भी यूज़ कर रहे होंगे। तो आगे क्या लेवल और टारगेट नज़र आ सकते हैं, कौन से लेवल पर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखने को मिलता है, उसके ऊपर भी हम पूरा एनालिसिस करते हैं चार्ट के ऊपर, और जो खबर निकल के आई है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके एंगेज करना ना भूले, और चैनल पर नया है तो ऐसी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम IIFL की वेबसाइट के ऊपर आए हैं और यहाँ पे खबर जो निकल के आई है, जो NSE और BSE को एंजल ब्रोकिंग ने जो रिपोर्ट सबमिट किया है, जो डाटा सबमिट किया है, उसके रिलेटेड यहाँ पे जो खबर देखने को मिल रही है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्लाइंट बेसिस मोर देन डबल, यानी एंजल ब्रोकिंग के जो क्लाइंट्स है वो ऑलमोस्ट दुगने हो चुके हैं, 3.75 मिलियन क्लाइंट हो चुके हैं फरवरी 2021 तक। तो इस खबर को हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं, तो मैं पेज को थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एज पर द रेगुलेटरी फिलिंग एंजल ब्रोकिंग क्लाइंट बेसिस मोर देन डबल टू 3.75 मिलियन इन फरवरी फ्रॉम 1.72 मिलियन इन द सेम मंथ लास्ट ईयर। सेम मंथ लास्ट ईयर की मैं बात करूँ तो 1.72 मिलियन उसके क्लाइंट्स थे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाइंट्स में दुगना यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल चुके हैं, 3.75 मिलियन क्लाइंट हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट दुगनी तेज़ी यहाँ पे मैं क्लाइंट्स में देखने को मिल रही है एंजल ब्रोकिंग के। और यहाँ पे अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तकरीबन 119% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो गजब का यहाँ पे देखा जाए तो एंजल ब्रोकिंग के क्लाइंट्स गजब के बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और साथ में ऐसा भी यहाँ पे बताया गया है कि एंजल ब्रोकिंग का जो टर्नओवर है डेली बेसिस पे, उसमें 6 टाइम बढ़ोतरी हुई है, 6 टाइम इंक्रीज हो चुका है उसका टर्नओवर। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर कह सकते हैं एंजल ब्रोकिंग के लिए कि जो कि उसका टर्नओवर है वो बढ़ेगा तो डेफिनेटली उसका बिजनेस भी बढ़ेगा और साथ में प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.006 मिलियन इन फरवरी 2021, यानी 4000 मिलियन का यहाँ पे टर्न हो रहा था फरवरी 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम पिछले साल की बात करें तो सिर्फ 670 मिलियन का टर्न हो रहा था फरवरी 2020 में। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे हमें इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और यहाँ पे अगर हम लास्ट मंथ की बात करें तो इन द प्रीवियस मंथ द टर्नओवर आप देख सकते 3,241 मिलियन। तो टर्नओवर बढ़ेगा तो डेफिनेटली उसका जो ब्रोकरेज है वो भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो ब्रोकरेज बढ़ेगा तो डेफिनेटली उसको ही सीधा सीधा एंजल ब्रोकिंग को बड़ा फायदा होता हुआ नज़र आ सकता है। तो इस तरह की यहाँ पे खबर देखने को मिल रही है, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी खबर है, और एंजल ब्रोकिंग जो कि काफ़ी सारे लोग एंजल ब्रोकिंग यूज़ भी करते हैं डीमैट अकाउंट, और इस खबर के चलते हमें एंजल ब्रोकिंग के शेयर प्राइस के ऊपर ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है, जो कि देखा जाए तो एंजल ब्रोकिंग का ऑल टाइम हाई है वो तकरीबन 415 रुपये के आसपास का ऑल टाइम हाई है। तो वहाँ से अभी काफ़ी बढ़िया डाउन साइड में ट्रेड करता हूँ एंजल ब्रोकिंग नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी खबर साबित हो सकती है एंजल ब्रोकिंग के लिए। अभी हम एक नज़र कर लेते हैं आज के कारोबार के सिचुएशन के ऊपर, उसके बाद हम चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आगे किस तरह के लेवल और टारगेट एंजल ब्रोकिंग में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम NSE की वेबसाइट के ऊपर आए हैं और यहाँ पर मैंने एंजल ब्रोकिंग को सर्च करके रखा हुआ है। अभी तक के कारोबार की सिचुएशन की बात करें तो अभी तकरीबन 2:40 होना ही है, और देखा जाए तो 12 रुपये से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 325 रुपये 75 पैसे पे प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी, और आज हमें 5 रुपये का गैप अप
ओपनिंग देखने को मिला 330 रुपये पे, हाई बनाया 346 रुपये का और लो देखने को मिला 328 रुपये का। और अभी देखा जाए तो 338 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है एंजल ब्रोकिंग। और अभी तक के यहाँ पे अगर हम डेवलपर परसेंटेज की बात करें तो क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है वो तकरीबन 232,000 क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें से डेवलपर क्वांटिटी की बात करें तो तकरीबन 95,471 क्वांटिटी डेवलपर क्वांटिटी देखने को मिल रही है। डेवलपर परसेंटेज निकल के आ रहे वो 41% के आसपास के डेवलपर परसेंटेज देखने को मिल रहा है। तो अभी देखा जाए तो कारोबार का सिचुएशन तो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है, खरीददारी भी अभी यहाँ पे अच्छी खासी नज़र आ रही है, अपर क्लोजिंग मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस भी देखने को मिल सकता है। अब हम देख लेते हैं कि आगे किस तरह के लेवल और टारगेट हमें एंजल ब्रोकिंग में देखने को मिल सकते हैं, आगे क्या लेवल और टारगेट नज़र आ सकते हैं, तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एंजल ब्रोकिंग का चार्ट ओपन किया हुआ है और ये चार्ट वन डे के टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है और यहाँ पर मैंने कुछ लाइनें ड्रॉ करके रखी है और लेवल भी आइडेंटिफाई करके रखे हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आगे किस तरह की मोमेंटम हमें एंजल ब्रोकिंग में देखने को मिल सकती है। और दोस्तों अभी देखा जाए तो तकरीबन 348.70 रुपये पर एंजल ब्रोकिंग ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर सपोर्ट लेवल की बात करो तो 316 का अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले तीन बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है 316 के आसपास, जो कि अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है। और ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस लेवल की बात करो तो 345 का यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है। अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो मुझे लगता है कि 380 तक के भी आपको टारगेट आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। और 300 के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको 400-450 तक के भी मुँह एंजल ब्रोकिंग में नज़र आ सकता है। और यहाँ पर दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया हुआ है ट्रेड लाइन के ऊपर अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। लेकिन यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर आपको एक बड़ा मुंह आता हुआ एंजल ब्रोकिंग में देखने को मिलेगा। तो इन लेवल को अभी फिलहाल आप वॉचआउट कीजिए और अपना स्टडी कंडक्ट कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ले, उसके बाद दोस्तों किसी भी तरह की कोई पोजिशन बनाइए। जो कि देखा जाए तो यहाँ पर 380 का भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है, पिछले तीन बार यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला है तो फोर्थ टाइम अगर ट्राई करता है तो मुझे लगता है कि सक्सेसफुली अच्छे खासे लेवल वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता हुआ ये रेजिस्टेंस लेवल भी नज़र आ सकता है। और फिर उसका जो ऑल टाइम हाई है 415-420 रुपए के आसपास वो भी अचीव होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो जो मैंने आपको लेवल दिए और जैसा मैंने आपको बताया 345 के ऊपर निकलता है तभी आपको एक बड़ा मुंह आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल आप इन लेवल को वॉचआउट कीजिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ज़ीरोधा में या तो फिर आप स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और बनाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज करना ना भूले और चैनल बनाया है तो इसी जनरल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।